आई। हाय कमांड जी, प्लीज बताइए हमारे ग्रह से यहाँ आने के लिए कौन निकला है प्लीज। पहले ये बताओ कि सेव टमाटर की सब्जी में दूध डालते हैं या शक्कर? भैया रिलैक्स रिलैक्स, वो हाई कमांड है। क्या हाई कमांड है? देखा भुक्कड़ की तरह हमेशा इंसानों के खाने के बारे में बोलते रहते हैं। और हेमंत भैया भी कुछ बोल नहीं रहे, देखिए। इसको तो ना मैं ऐसे अब उल्टा करके वो सौंफ की बोतल को ऐसे उल्टा करके बच्ची कुच्ची सौंफ को ऐसे हिला हिला के बाहर निकालते ना, वैसे इसे उल्टा करके हिला हिला के इसके दिमाग में से वो राज बाहर निकालूंगा। वो क्या कर मेरा भाई 10x10 आ रहा है। ओ एलियन माता, तुम्हारा भाई 10x10 नहीं आ रहा है, और अच्छा ही है, उसके मुकाबले तो अपना वो भद्रेश ज्यादा भरोसेमंद है। अरे ओ श्री श्री घोटाला, पापा खैतान का नाम लिया और खैतान हाजिर। अरे गेंडे, खैतान नहीं होता, ऐसे बोलो कि शैतान का नाम लिया और उल्लो बद्र तेरे को शैतान बोला। मेरे कहने का मतलब ये कि अरे मतलब को मारो गोली। श्री श्री घोटाला, आज आपका संगीत का फंक्शन है। हाँ, और मेरे दिमाग में एकदम एक मिनट, वो लोटस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कमल। हाँ, मेरे दिमाग में एकदम कमल का आइडिया आया है। कमाल कमाल होता है, तो समझा ना? हाँ मैं तो समझा, लेकिन इनको भी समझा, जो मेरा कमाल आइडिया तेरे दिमाग में आया है वो समझा। मेरे दिमाग में कमाल क्या? छोड़, मैं समझाता हूँ, सेम मजा आएगा। देखिए वो क्या है? नहीं नहीं अभी थोड़ा बिजी हूँ मैं। अरे क्या बिजी, चलो चलो। अरे भैया हेमंत बेटा बता कौन आया ग्रह से अपने? हाँ 10x10 मामा, 3.5 मामी, 2x4 फूफा जी, 11.02 अंकल। तू क्या है कर रहा है? उसका मन पढ़ने की कोशिश करो। मैं कुछ नहीं सोचूंगा। हाँ बोलो, क्या क्या बड़ा कुछ? बहन, तुम क्या देख रही हो मुन्नी? मुन्नी, तुम इन वाहनों को देख रही हो? हाँ, मुझे सड़क पार करनी है। तो इन वाहनों को क्यों देख रही हो? दी? जब ये वाहन रुकेंगे तब तो मैं सड़क पार कर पाऊंगी ना। अच्छा अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बताया ना?
कहाँ से आई हो? मेरा नाम 555 है। मैं बड़ी दूर से आई हूँ। थैंक यू। आंटी भावना, आंटी भावना, आंटी भावना, आंटी भावना, आंटी भावना। भावना मतलब मेरी बाय। बैरवे यहाँ पे क्या 6-7 आंटी भावना रहती हैं? ओहो, पता नहीं ये मेरे कंगन था कहाँ चलक? ए लड़ी, तूने मेरा कड़ा दाब के पहन लिया है ना? हाँ ना मोटी बहन, ये तो आमिर लाया था मेरे लिए लगान की शूटिंग के वक्त बूथ से। ए जाजा आवे फेकोलॉजिस्ट फड़ी। आंटी भावना मेरी बात सुनिए, ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई शहर में एक अजीब से औरत के पाए जाने की खबर है, खास ताकत वाली कोई डायन। तो उसमें ब्रेकिंग न्यूज क्या है ना, मेरे घर में दो दो डायन है, एक ये इलाड़ी और एक वो बैरवी। अरे आंटी भावना मेरी बात तो सुनिए, कहा जा रहा है ये अंतरिक्ष से आई हुई कोई एलियन औरत है। एलियन? ए, मेरी बात करवा दे उससे, क्रिश 4 में मैं इसको काम। चुप रे इलाड़ी, चुप एकदम। चकुड़ी इधर आ, ये इलाड़ी के मुंह पे ताला मार, और अगर मुंह पे ना लगे ना तो सर पे ऐसे छुट्टा घा करके ताला मारना। वैसे है ना, वो एलियन खतरनाक तो नहीं है ना? नाना राजू काकी, वो तो पालतू होते हैं। ककुड़ी, तुझे क्या ये तोता मैना पोपट लगते एलियन? पालतू वाली, अरे भयंकर डरावने होते हैं, इंसानों का जीना हराम करने वाले राक्षस योनि के लोग। बस कीजिए आंटी भावना, अब मिलिए किसी एलियन से। मींस के ऐसे फेस टू फेस नहीं मिली हो, लेकिन वो मेरी बहन है ना कंचन, उसकी बालकनी में आया था ग्रीन कलर का एलियन, खून पीने वाला। हाँ, जो बाद में बड़ी सी छिपकली निकली, जो पानी पीने आई थी ऐसे। और एलियन हुआ भी तो आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती है कि वो खून पीने वाला भयानक प्राणी होगा? वो हम सब की तरह सीधा साधा अच्छा भी तो हो सकता है ना। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने कोई खोई हुई चीज ढूंढने आए हो यहाँ पे। वर्षा, ओ वर्षा, तू एलियन की इतनी तरफदारी क्यों कर रही है? वो क्या तेरा सगा वाला लगता है? नहीं, मैं तो बस। आंटी भावना, सवाल तरफदारी करने का नहीं है, आई थिंक वर्षा भाभी ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि हमें खामखा प्रेजुडिस होके बात नहीं करनी चाहिए। नहीं तो, बात तो वो जंगली औरत जो आती है ना, जो ऐसे वाँ, 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 करके खुद को चाबुक मारती है, उसे भी चुड़ैल मानती है। जो कि गलत है आंटी भावना, वर्षा भाभी सही कह रही है, ब्रेकिंग न्यूज भी यही है कि वो एलियन औरत अजीब है पर बुरी नहीं। पर है ना, वो औरत कौन है, कहाँ है, उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ क्या बोलता है? अरे आ रहा हूँ ना बाबा, आ रहा हूँ ना। सनशाइन कॉलोनी का पता किससे पूछूं? हाँ उन इंसानों को पता होगा, उनसे उन्हीं के अंदाज में पूछती हूँ। अरे बाबा 10 मिनट में पहुंच जाएगा अपन। अरे अपना बिड़ू का पिक्चर है, काय को नहीं देखेगा? अरे ले, अरे ले, चल से बड़ा बोले रहा। अरे बड़ा मस्त पिक्चर है रे बिड़ू। हाँ बोल बिड़ू। अरे यार अपन को ना एक पता मालूम करने का है,
उसका गली कूचा किधर है वो बताएगा क्या? अबे यार ये तो अपनी उर्वशी है यार, अपन की उर्वशी। फिर उर्वशी? लगता है मैंने उर्वशी नाम के किसी इंसान का रूप लिया है। आप उर्वशी है? हाँ हूँ। क्यों तेरे को प्रॉब्लम है क्या अपन की उर्वशी होने से? अबे रहने दे। नहीं 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 मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे अपुन को तो लगता है अपुन का लाइफ सेट हो गया है। यार तो फिर अपुन की थोड़ी मदद भी दी करना है। हाय ला तू तो बड़ी कमाल की आइटम है, कमाल की आइटम है रे। यार आइटम अपन ने अपन का एक दामाद है, एक नंबर का छप्पड़ गंजू ना छपरी। अरे तेरे माफी रास्तिक होता ना कोई आज अपुन की बेटी की लाइफ सेट हो। अरे तू दामाद समाद को मार गोली, तू तो अपुन की डाव बन जा। ए चंदिया क्या कर रहे तू? हाथ हटा हाथ हटा, कई के लिए बदतमीजी कर रहा? ए चुप रहना, तू अपना अंडा पाव बनाना है और अपुन की मुर्गी को अपुन के पास रहने दे। बदतमीजी कर रहे था? ओ मैडम 100% बदतमीजी की आपके साथ। अच्छा 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 भैया अब नहीं करेगा। ए चपड़ी अंग्रेजी आती है क्या? ओहो, तो सनशाइन कॉलोनी का हिंदी क्या होता है? ए चपरी सूर्य चमक संकुल पता है क्या किधर है? मालूम नहीं मैडम, पहली बार सुन रहा हूं। ठीक है आओ मिलू क्या? हाँ मैडम ये अंडा भी ले लो। तू मुर्गी है क्या? तो अंडा कैसे दे सकता है? अंडा तो मुर्गी देती है ना। पर मैं भी कभी कभी देता है। ले लो ले लो। नहीं नहीं पाओ चलेगा। आइला ये गेली कुटे केसरिया
भैया, ऐना तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। शरद, हम ऐना के बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन फिलहाल इस गेंडे के मुंह से उगलवाते हैं कि यहाँ ऊपर से कौन आया है, इसका कोई रिश्तेदार। वही तो, कल रात से मेरा कोई रिश्तेदार यहाँ पे आया हुआ है, पता नहीं कहाँ पे भटक रहा होगा बेचारा। खम्मा घणी, खम्मा घणी, खम्मा घणी। आज संगीत के अवसर पर मैं मुरलीधर ओझा दो शब्द कहना चाहूंगा। संगीत का जन्म हमारे राजस्थान में हुआ था। ये ढोलक, हारमोनियम, पियानो, ये सब हमारे राजस्थान की तो देन है। हमारे राजस्थान के ऊंट जैसे हैंडसम ऊंट पूरी दुनिया में कहीं। ओ अंकल, राजस्थान पे निबंध कल लिखना, ओके? आज इनकी शादी का संगीत है, तो इनपे भी थोड़ा मेहरबानी करो भाई। तो भाई और बहनों, मारा बेटा, तो भाई और बहनों, स्वागत करते हैं आज के हमारे खास अतिथि का, खम्मा घणी। खम्मा घणी है? ये खास है? सॉरी हाँ, मैं अकेले आई हूँ। वो क्या है ना, रणबीर हमारी रिक्शा का टायर चेंज कर रहा है, पंक्चर हो गया था ना। तो ये ले, यहाँ आके बैठ जा, आजा। हाँ, ये सीट रणबीर के लिए। हाँ, तो स्वागत करते हैं आज के हमारे खास अतिथि का, वसंत भैया और वर्षा भाभी। लाजो आंटी, नथिंग। मेरे पापा तो खुद को गोल गोल घुमा सकते हैं, इससे भी तेज। हेलो सर भैया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.